हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो टैली प्राइम का है और टैली प्राइम में या फिर टैली ERP 9 में हम ग्रुप का सही सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। देखिए, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी ही ज्यादा चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, तो आप खूब अभ्यास कीजिए टैली पर। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सकते हैं यहां पर एक कंपनी हमारे पास पहले से क्रिएटेड है, कंपनी का नाम है अमन ट्रेडर्स, ठीक है। अब इसमें हमें लेजर्स बनाते वक्त सही ग्रुप का सिलेक्शन करना है, तो दो तो आप जान लीजिए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी सन्ड्री डेटर या क्रेडिटर पार्टी की आपको परचेज या सेल करते हैं तो जरूरत पड़नी ही पड़नी है, तो इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जैसे अब बात कर लेते हैं अल्टर में चलते हैं, ठीक है, और यहां से हम लेजर्स बनाएंगे, तो ये लेजर्स पे जाएंगे और यहां पर देख सकते हैं ये लेजर जो है पहले से क्रिएटेड है हमारे पास। ये कैपिटल अकाउंट है और ये सैलरी है, ये लेजर जो है हमने बनाया है इस कंपनी में। बाकी ये दोनों लेजर पहले से मौजूद होते हैं, इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना तो कैश की और ना तो प्रॉफिट एंड लॉस की। चलिए, जब भी आप कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाए तो उसे अंडर कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में ही हम रखेंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो अब दूसरी बात यह है कि सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर का लेजर कैसे बनाएंगे। तो सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर पार्टी का जो भी नाम है, आप लेजर क्रिएशन वाले विंडो पे आ जाइए। अब जैसे मान लीजिए सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी है रितेश, ठीक है, रितेश कुमार, ये मान लीजिए सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी है, ठीक है, ये रितेश कुमार लिख लिया हमने, ठीक है। अब मैं यहां पे केवल सी लिख देता हूं आपके पहचान के लिए कि आप कंफ्यूज ना होइए। सी का मतलब क्रेडिटर पार्टी, ठीक है, एंटरप्रेस कर दिया, एंटरप्रेस कर दिया, ठीक है। यहां पर जैसे ही आएंगे तो लिस्ट ऑफ ग्रुप खुल करके आ जाएगा। अब यहां पर बहुत परेशानी है कि कौन सा ग्रुप हम सेलेक्ट करें कौन सा नहीं। तो जब भी आप ग्रुप बनाएंगे और जब भी आप सन्ड्री क्रेडिटर बना रहे हैं तो उसे जो सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी का लेजर बना रहे हैं, क्रेडिटर यानी कि जहां से आप माल खरीदेंगे, तो उस कंडीशन में आपको हमेशा उसे सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में ही डालना है। तो एस प्रेस कीजिए और यहां से चूज कर लीजिए सन्ड्री क्रेडिटर, ये दिख रहा है, एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए और इस लेजर को आप अब एक्सेप्ट करा लेंगे तो ये लेजर क्रिएट हो जाएगा। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी का लेजर बन गया। और भी सन्ड्री क्रेडिटर पार्टियों का लेजर आप बनाना चाहते हैं तो आप इजिली बना सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहां पे कर देता हूं महेश, ठीक है, ये भी हमारी क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी है, क्रेडिटर यानी कि जहां से हम माल खरीदेंगे, तो ये हो गया और यहां पर सन्ड्री क्रेडिटर ही रखेंगे, ठीक है। एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करते वक्त एंटर इस तरह से इसे एक्सेप्ट करा लेंगे हम, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब मान लीजिए कि कोई डेटर पार्टी का लेजर बनाना है, डेटर यानी कि जो आपसे माल खरीदेगा, ठीक है, तो आप क्रेडिटर पार्टी हो जाएंगे और अगली जो पार्टी माल खरीदेगी आपसे वो हो जाएगी डेटर पार्टी। अब मान लीजिए रामू, ये जो है आपकी डेटर पार्टी है, यहां पे पहचान के लिए डी लिख देता हूं, एंटरप्रेस करता हूं। अब चूंकि ये डेटर पार्टी है, डेटर यानी हमसे माल खरीदेगी, तो इसलिए इसे हम सन्ड्री डेटर ग्रुप में डाल देंगे, तो ये सन्ड्री डेटर हो गया, ठीक है। जो हमसे कुछ लेगा उसे हम सन्ड्री डेटर ग्रुप में रख देंगे, ठीक है, परचेज और सेल के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। अब ये तो हो गया। अब जब एंट्री पास करेंगे तो उस समय और भी आपको लेजर्स बनाने होंगे, डायरेक्ट भी आप लेजर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको चलना है कहां, वाउचर्स में, तो ये वाउचर्स में आ गए हम और यहां पर पेमेंट वाउचर में है, हमें कहां चलना है, F9 प्रेस करके चलना है परचेज वाउचर में। तो अभी परचेज वाउचर में आ चुके हैं और यहां पर कोई सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया, एंटरप्रेस किया, डेट आ गई वो जिस डेट पे हमें करनी है खरीदारी। अब यहां पर प्रॉब्लम है कि हम हमारी जो क्रेडिटर पार्टी है वो कौन सी है, हमने दो लेजर्स बना रखे हैं, एक महेश और एक रितेश कुमार, ये दोनों हमारी क्रेडिटर पार्टियां हैं। अगर कोई और भी क्रेडिटर पार्टी है जिसका लेजर आपने क्रिएट नहीं किया तो आपको कहां जाना है, क्रिएट पर जाना है और एंटरप्रेस करना है और यहां पर उस पार्टी का लेजर बना देना है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे कर देते लिए एंटरप्रेस करता हूं, एंटरप्रेस करता हूं और एंटरप्रेस करता हूं, यहां पर सन्ड्री क्रेडिटर आएगा ना कि डेटर आएगा, तो यहां पे एस प्रेस किया हमने और सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा, ये तो सन्ड्री क्रेडिटर हो गया और इससे भी हमने बना लिया, ठीक है, एक्सेप्ट करा लिया। यहां पर कंट्रोल ए प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे, यहां पर भी कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो यहां पे देख सकते हैं गौरव कुमार हमारी सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी आ चुकी है यहां पे। अब यहां पर एक चीज और है, यहां पे हम आइटम इनवॉइस मोड में है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा दुकानदार जहां से हम कोई मोटरसाइकिल या कुछ ऐसी चीजें खरीदते हैं
जो काफी महंगी होती हैं, ठीक है। अब वो हमारी परिचय की दुकान है तो हो सकता है कि हमें, हमने बोला कि भाई 10 दिन 15 दिन वेट कर लो, तो उन्होंने उधारी हमें माल सप्लाई कर दिया और हमने, और वो हम अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, ठीक है। जब भी पर्सनल यूज की बात आएगी तो वो किस में जाएगा, वो जाएगा करंट लाइबिलिटीज में, तो वहां पर उसे करंट लाइबिलिटीज के अंदर रखना होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी माल है, जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मोटरसाइकिल परचेस कर रहे हैं हम, ये देखिए ये मैं कर रहा हूं मोटरसाइकिल, ठीक है, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया। अब मान लीजिए मोटरसाइकिल हम बिजनेस के लिए नहीं खरीद रहे हैं, अपने टैली बिजनेस के पर्पज से यूज होती है, लेकिन मान लीजिए मोटरसाइकिल हम बिजनेस के लिए नहीं खरीद रहे हैं, किस लिए खरीद रहे हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, और पैसा भी नहीं दे रहे हैं, तो एक तरह से ये जो है हमारी करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे सी प्रेस करेंगे और लाइबिलिटी यानी जिम्मेदारी, तो ये सी प्रेस करके इसे करंट लाइबिलिटी में डाल देंगे और एंटर प्रेस करके और इसे करा लेंगे एक्स। आई बात समझ में? अब मान लीजिए कि इसी तरह से और भी लेजर्स आते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको परचेज का लेजर बनाना है, तो यहां पर देखिए यहां पर परचेज का लेजर लगाना पड़ेगा, अगर सेल्स होता तो सेल्स का लेजर लगाना पड़ता, तो परचेज और सेल्स की तो बात ही नहीं है, बहुत आसानी के साथ आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा परचेज में जाएगा कौन सा सेल में जाएगा, क्योंकि सेल्स में सेल्स का लेजर लगता है, परचेज में परचेज का लेजर लगता है, तो इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी कि ये लेजर क्रिएशन कैसे करना है हमें। अब जब भी आप चीजों को बनाएंगे करेंगे, अच्छा एक समस्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस में आती है कि हम किसे डायरेक्ट एक्सपेंस में डालें और किसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालें। तो देखिए जब भी आप एंट्री पास करेंगे ना, तो जो भी माल के मैन्युफैक्चरिंग में जो एक्सपेंस आता है, गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में जो एक्सपेंस आता है, उसे हम रखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में। किसमें रखते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस में। और इसके अलावा जो चीजें हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आती हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आपने एक ऑफिस खोल रखा है जहां पर 4-5 एम्प्लॉय काम करते हैं, और बाकी के जो खर्चे हैं जैसे सैलरी हुई, वेजेस हुआ, या फिर जो चीजें हैं, ठीक है, ऑफिस के बाद के खर्चे जो हुए वो आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। बात समझ में आ रही है? तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इस तरह से आप जज कर सकते हो। अब मान लो यहां पे आ गया गौरव सी, ये हमने ले लिया, एंड अब यहां पर बनेगा परचेज अकाउंट का लेजर। कैसे बनाएंगे? यहां पर एंटरप्रेस करेंगे, यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट, ये लिख दिया हमने परचेज अकाउंट, एंटरप्रेस किया और यहां पे पी प्रेस करता हूं परचेज अकाउंट के लिए, ठीक है, तो ये परचेज अकाउंट हो जाएगा और एंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब यहां पर चीजें आएंगी, तो ये देखिए ये हम अभी किस मोड में है? आइटम इनवॉइस मोड में है, ठीक है, और आइटम इनवॉइस मोड से हमें हटना है, किसी और मोड में जाना है, तो यहां पर देख सकते हैं कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना है आपको, कंट्रोल एच जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहां पर लिस्ट ऑफ मोड्स दिखाई पड़ेगा आपको। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में जाना है कि वाउचर मोड में जाना है, आप देख लीजिए, तय कर लीजिए, और उसी मोड में आप चले जाएंगे तो यहां परचेज में भी डेबिट और क्रेडिट शो होने लगेगा, अगर इस मोड में आ जाएंगे तो, ठीक है। और अगर आप किसी और मोड में जाते, जैसे यहां पर मैं आता हूं अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में आ जाता हूं, ठीक है, इसके पहले किसी और में, अब यहां पर पर्टिकुलर आपको दिखेगा, तो ये इस तरह से हम सेटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से हेल्प आपको जरूर मिलेगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।